अगर किसी ने न्यूयॉर्क यूएसए में चांद देखा और वहां से लाहौर पाकिस्तान आया और आकर गवाही दी कि मैंने न्यूयॉर्क में चांद देखा है, तो क्या उस दिन लाहौर के लिए चांद की रुयत साबित हो जाएगी? अगर हां, तो क्या ये रुयत सिर्फ लाहौर के लिए काबिल कबूल होगी या पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए? इसी तरह न्यूयॉर्क में चांद देखने से पूरे यूएसए में चांद की रुयत साबित होगी या सिर्फ न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क में अगर शरीर तौर पर चांद देखा शरीर गवाह ने, और गवाहों का निसाब जो है पूरा है, मतलब जिस महीने में दो परहेजगार मर्द या एक मर्द दो औरतें ये दरकार हैं, उन लोगों ने चांद देखा तो न्यूयॉर्क में रुयत साबित हो गई। अब दूसरे शहर में अगर शरीर तौर पर ये रुयत साबित हो जाती है तो दूसरे शहर वालों को भी जो है इस रुयत पर अमल करना जरूरी होगा। लिहाजा वो शख्स जो न्यूयॉर्क से चांद देख करके चला, अगर रमजान का महीना था और उसने वहां चांद देखा तो खुद के वो आदिल या मस्तूर मुसलमान है तो काजी उसकी खबर पर जो है हुक्म कर देगा रुयत का, और अगर कोई दूसरा महीना है तो महज एक आदमी की शहादत पर हुक्म रुयत का नहीं हो सकता। और लाहौर में अगर रुयत साबित हो जाए तो दूसरे शहरों में जो है लाहौर की रुयत से जो है हुक्म नहीं हो सकता, जब तक के दूसरे शहरों में तरीके मौजिब से रुयत का सबूत ना हो। और तरीके मौजिब यह है कि दो आदमी जो है वो गवाही दें अपनी रुयत की, या काजी की मजलिस पे रुयत की गवाही दें कि काजी की मजलिस में रुयत साबित हुई और काजी ने रुयत का हुक्म दिया, या वहां पर जो है इस्तिफादा यह खबर हो जाए कि दूसरे शहर से मुतअद्दी जमातें जाएं और वो सब ये कहें कि हमने अपनी आंख से चांद देखा है, तो इस सूरतों में जो है दूसरे शहर में रुयत साबित हो जाएगी।